सिस्टर क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ के रहने वाले आप? हरियाणा के। पिछले 20 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए थे, और जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? गंदे सपने आते थे ब्रदर, और संबंध बनाता था सपने में दुष्ट आत्मा, और भारीपन रहता था, और मालिक कोई भी कर काम काज नहीं होता था मेरे से। आपको खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा काले साई के रूप में नजर आता था अपने पास, कि वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है? हाँ जी। और इसी कारण आपकी बॉडी के ऊपर जब अटैक होता था तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे? हाँ जी। क्या आपको क्या लगता था उस समय के क्या हो रहा है आपके शरीर के ऊपर? मेरे शरीर में ऐसा लगता था जैसे कि दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और जैसे काला साया नजर आता था मुझे, और दुष्ट आत्मा की आवाजें आपको सुनाई देती थी। हाँ, ब्रदर। और सारा सारा दिन सारी रात आपको हर छोटी छोटी चीज से डर लगता रहता था? यस। पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी? हाँ जी। आपके घर का माहौल कैसा हो गया था उस समय? घर में पति के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, और घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा रहता था ब्रदर। और आपकी फैमिली आपको 3-4 अन्य जगहों पर भी लेकर गए? हाँ, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपकी हालत जो थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। यस ब्रदर। और आपकी ऐसी हालत को देख के फिर किसने आपको बताया कि? किसी भाई ने बताया हमको खामरा चर्च के बारे में। और तब से आपने चर्च में आना शुरू किया? 4 साल से आपने चर्च में फिर आना शुरू किया? यस ब्रदर। और जब इन्होंने अपने ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, क्योंकि जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने चर्च में लगातार आना शुरू किया, और जब इन्होंने ले हैंड के लिए फ्री जो रजिस्ट्रेशन होती है इन्होंने करवाई, और इनको ले हैंड के लिए जब रजिस्टर किया गया, तो उसके बाद संडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी स्किन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ आपकी बॉडी में उस समय? मेरे से जैसे कि भारीपन ऐसे उतर गया, और मैं बार बार से जोर के चिल्लाने लगी। और उसके बाद आपको कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? नहीं ब्रदर। अभी आप बिल्कुल फ्री हैं? यस। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? कोई दुष्ट आत्मा की आवाजें नहीं सुनाई देती? नहीं, ना दिखाई देता है कोई? मैं बिल्कुल 5 महीनों से बिल्कुल आजाद हूँ। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें।